वेलकम बैक टू पीटर चैनल। और आप लोग का स्वागत है पीटर चैनल में। और हम लोग जा रहे हैं, आज विश्वकर्मा पूजा है, आज विश्वकर्मा पूजा गाड़ी धोलनी है, पूरा पूजा करेंगे विश्वकर्मा जी का, पूरा गाड़ी का पूजा, और आप लोग को दिखाएंगे कैसे पूजा करते हैं। चलिए गाइस चलते हैं। फ्रेंड देखिए खाली तैयार है, अब जा रहे हैं पूजा करने बाइक का। चलिए आइए, ये टीका लगाएंगे। अंदर मिले तू लड्डू वो गाड़ दे। वही बा हो गल पूजा। अरे पनर धक खाली खाई ले तो है फ्रेंड्स, अभी विश्वकर्मा पूजा हो गया है, अब चलेंगे हम लोग घूमने के लिए और आप लोग को भी घुमाएंगे। आज विश्वकर्मा पूजा का दिन है, काफी मस्त दिन है, तो आइए चलते हैं घूमेंगे और आप लोग को घुमाएंगे। गाइस अभी आप लोगों ने देखा विश्वकर्मा पूजा कैसे हुआ और मेरे भाई और मामा जी ने किया विश्वकर्मा पूजा। तो फिलहाल अभी चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा बाढ़ मतलब नदी के घुमा देते हैं, नदी जो जहां बाढ़ इलाका है और जहां से मतलब बाढ़ रोका जा सकता है। तो आइए चलते हैं, आप लोग को वहीं पर घुमा देते हैं। अभी तो बंदे पा गए हैं और इधर से We'll be right back.
फ्रेंड्स अभी थोड़ा दूर ही आए थे, उसके बाद देखें बारिश शुरू हो गया। आप पीछे देख सकते हैं कितना तेज बारिश उधर हो रहा है। तो अभी थोड़ा दूर ही चले, फिर बारिश शुरू हो गया। तो इधर एक पेड़ है, इसके नीचे रुक गए हैं। अभी थोड़ा सा कम होता है बारिश, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से और आप लोग को दिखाते हैं कहाँ से मतलब बाढ़ का पानी रोका जाता है गाँव में, क्योंकि गाँव में बाढ़ ना आए। तो अभी लेकर चलते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिए, उसके बाद चला जाता है हम लोग। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं बारिश कितना घनघोर हो रहा है, और इधर आप लोग नदी देख सकते हैं, और ये इधर देखिए कुंड बना रहा है। इधर ये जो है कुंड है, अगर इसमें कोई गिर जाए तो बच नहीं पाएगा। और इसी कुंड से मतलब ये जो मट्टी है ना, जो नीचे का ये कुंड मट्टी को काटता है, उसके बाद वो जगह अपना बनाता है और नदी और छैलता है, मतलब और बढ़ता है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते ही बाढ़ आने का संभावना बन जाता है गाँव में। तो आप लोग देख सकते हैं ये कैसा कुंड बना रहा है, पूरा गोल में इसको घुमा दे रहा है पानी। देख सकते हैं आप लोग को दिख रहा होगा मेरे मोबाइल के कैमरे में कि पूरा पानी कैसे घूम रहा है गोल में। और इधर देख सकते हैं कुंड, और उस साइड भी देख सकते हैं माटी धीरे धीरे कटता है, और माटी नदी में कट के गिर जाता है, उसके बाद नदी जगह बना लेता है, और फिर उसके बाद बाढ़ आने का संभावना बन जाता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग यहीं पर रुके हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा छत्र छाया है, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा पेड़ घना यहाँ पर है, तो यहाँ बारिश का कहीं जो होता है थोड़ा कम आ रहा है जो बारिश है, नहीं तो अगर कहीं इधर जाए तो पूरा भीग जाए। उसे तो भीग ही गए हैं, बाइक चला रहे थे, अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा बचे हैं, सोचे हैं थोड़ा बचाने तो तबीयत भी ख़राब हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर आए तब तक रुके हैं। उसके बाद आप लोग चलेंगे वहाँ पर जहाँ पर नदी का पानी रोका जाता है बाढ़ आने के बचाने के लिए गाँव में। तो फिलहाल अभी आप लोग मेरे साथ बने रहिए।